प्रथम तहलका न्यूज। इन दिनों त्योहारी सीजन को नजदीक देखकर सीएम फ्लाइंग के द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ हर रोज छापेमारी की जा रही है और काफी मात्रा में नकली पदार्थों की सैंपलिंग भी की जा रही है। तो वही इसी कड़ी में बुधवार को झज्जर में सीएम फ्लाइंग ने गुरुग्राम मार्ग पर स्थित सब्जी मंडी के सामने एक डेयरी पर छापेमारी की, जहां इस डेयरी में बगैर लेवलिंग के सोया सॉस बेची जा रही थी। तो वही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब इस सॉस को देखा तो एक बार तो उनके होश ही उड़ गए। अधिकारियों ने जब इस बारे में डेयरी मालिक से जानकारी लेनी चाही तो वे इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद अधिकारियों ने वहां बगैर लेवलिंग की इस सॉस के 9 टीन कब्जे में लेकर उसकी सैंपलिंग की और उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया। अधिकारियों ने इस बारे में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जांच में यदि सैंपल फेल आते हैं तो फिर दंडनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर जोगिंदर सिंह फूड एंड सेफ्टी अधिकारी के साथ यहाँ पर रेड की गई है, जिसमें 9 पेटी नकली सॉस बगैर लेवल की मिली है, सैंपल लेके कार्रवाई की जा रही है। आज सीएम फ्लाइंग के साथ ये भारतीय डेयरी पे छापामारी की गई। यहाँ पर टोमेटो सॉस के जो अनलेवलिंग जो कंटेनर मिले हैं उनमें से सैंपल लेके जांच के लिए भेज दिए गए और जो बाकी जो बचा था उसको एक सील कट्टे में पैक करके इनको सौंप दिया गया और कहा गया कि इनको नहीं बेचा जाए। किस तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं इनके लोगों पर? इनसे क्या है कि अगर ये कंटेमिनेटेड होते हैं तो जैसे गैस्ट्राइटिस, फूड पॉइजनिंग, और ये अगर इसमें और हैवी मटेरियल होता है तो कैंसर जैसी बीमारियाँ होती है, क्रोनिक कंजुगेशन। छापेमारी कंटिन्यू रहेगी झज्जर में? छापेमारी देखो टाइम टाइम पे तो होती रहती है, पर अब त्योहारों का सीजन है तो ये कंटिन्यू होती रहेगी ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ दुकानदार की वार्ड नहीं कर सके। दरअसल त्योहारी सीजन को लेकर प्रदेश भर में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी लगातार जारी है और इस कड़ी में नकली पदार्थों की सैंपलिंग भी की जा रही है। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।